नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका कर्णवाल और जी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, दीपाली फडणवीस और ज्योति अरोड़ा। दीपाली मिसेज इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल जूरी हैं, मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब भी ये 2012 में जीत चुकी हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हैं और बहुत सारी देश की महिलाओं को ये इंस्पायर करती हैं। साथ ही ज्योति अरोड़ा जो इस साल की मिसेज इंडिया, क्लासिक मिसेज इंडिया की विनर हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। धन्यवाद। दीपाली, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आती हैं और आपकी बहन, आपकी फैमिली में मतलब डॉक्टर्स भी हैं, और आपने सोचा कि आपके करियर को आपने यू टर्न दिया है, मतलब है ना, इंजीनियरिंग से आप एक ऐसे फील्ड में आ गए जो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो वो कैसे चैलेंज मतलब रहा, मतलब कैसे आपने इस चीज को? आई थिंक गो विद द फ्लो। ऐसे मैं जनरली अपने लाइफ में यही, मेरे जीवन की यही मेरा यही एक ध्येय रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो। इंजीनियरिंग तो इसलिए की थी क्योंकि आपको पता है पूरे इंडिया में पेरेंट्स को अगर कुछ उनके बच्चों को बनाना है या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। तो मेरे फैमिली में भी सेम था, और डॉक्टर मुझे नहीं बनना था। मैं सोचती थी कि डॉक्टर बहुत ही हेक्टिक काम होता है, तो इंजीनियर बन गई। एंड ऑफकोर्स मैंने आईटी में काम किया, एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग मैंने बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया। बट देन मुझे ऐसे लगा कि कॉर्पोरेट में तो बहुत सारे लोग हैं, यू नो, बहुत भीड़ है वहां पे, तो मुझे कुछ हटके करना है, तो बस हो गया मिसेस इंडिया। ज्योति, सबसे पहले तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी महिलाएं जो आपको देख रही है और जो आपकी इस जीत से इंस्पायर होती है और वो भी सोचती है कि हम भी इस मुकाम पर पहुंचे, ये उनके लिए सबसे पहले आप एक मैसेज दे दीजिए, ये बता दीजिए आपने कैसे इसको, चुनौती को, यू नो, फेस किया। सबसे पहले मैं जो हमारे भारत की सारी महिलाएं हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए, क्योंकि हम लोगों के साथ होता क्या है कि हम अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, अपने जितने भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते निभाते कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, तब आप देखिएगा कि कैसे अराउंड यू लोगों का एक नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। वो आपको ज्यादा प्यार करेंगे, आप पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अब आप अपने अपने आप को ज्यादा ध्यान देंगे तो लोग भी आप पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि आप अपने नजरिए को बदलिए अपने लिए। और दूसरा ये कि मैंने मिसेज इंडिया के इस पैजेंट में जब पार्टिसिपेट किया था तो मैंने ये सोच के पार्टिसिपेट नहीं किया था कि मैं विनर बनूंगी या नहीं बनूंगी। मैंने सिर्फ ये कि मुझे लगा कि चलिए ये एक मेरा एक एक्सपीरियंस होगा जहां मैं अपनी वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं भी दीपाली की तरह, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड रहा है इंजीनियरिंग से रहा है और मैं भी कॉर्पोरेट्स में 13 साल जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन ये आई जस्ट केम अक्रॉस दिस पेजेंट एंड मैंने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर मैं अपनी वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर सकती हूँ। और विविधता में एकता जो मुझे देखने को मिली इस पूरे पेजेंट में कि अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और विविध रंगों के बावजूद सब महिलाओं का जो अंदर से जो स्वभाव था वो एक ही था, वो एक ही था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने पे विश्वास रखिए और अपने आप से प्यार कीजिए। दीपाली, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब भी आपने 2012 में जीता है, उसके लिए आपने क्या क्या मेहनत की थी? देखिए, जब मैं मिसेस एशिया में या जब मैं ब्यूटी पैजेंट्स में जा रही थी, ये बात हो रही है 10-11 पहले की, तब अक्रॉस इंडिया कोई इंटरनेशनल ना प्लेटफॉर्म था ना पैजेंट था, और बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि मैं चेन्नई में रहती हूँ, राइट। तो चेन्नई में गाउन्स का भी इतना अवेलेबिलिटी नहीं था, गाउन के नाम पे सिर्फ अनारकली मिलती थी ना, हिल्स भी होंगे तो मैक्सिमम 3-4 inches के होते थे, और इंटरनेशनल पैजेंट में यू नो यू शुड हैव 6 inches, 7 inches एंड ऑल दैट। तो एक एक्सटर्नल जो फैक्टर, अंदर से तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, लाइक आई नो दैट आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट एंड गेट द बेस्ट, बट जो दूसरी चीजों को अरेंज करने में होता है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंड मीडिया भी इतनी इजिली अवेलेबल नहीं थी ना, सोशल मीडिया वॉज, इट वॉज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, फेसबुक ही था हमारे लिए। और तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक वो जो चैलेंज था उसकी वजह से मेरा एडवांटेज ये हुआ कि मैंने बहुत अच्छे से डिलीवर किया,
मेरी मुझे कंपटीशन भी कम थी और मुझे जो सपोर्ट है बहुत अच्छा मिला था ऑन दी सोशल अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज एंड ऑल दैट. जैसे मुझे मेरा कोई गाइड नहीं था, अभी जैसे मैं हूँ उसके लिए गाइड करने के लिए जो भी कंटेस्टेंट्स होती हैं. तो ब्यूटी पैजेंट में बेसिकली करना क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि ब्यूटी पैजेंट में बस सुंदर दिखना है. ये हमारे दिमाग में है कि ब्यूटी पैजेंट मतलब ब्यूटी, मगर ब्यूटी पैजेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ये सभी को बात पता चले कि इट्स नॉट द ब्यूटीफुल फेस दैट विंस, इट्स द ब्यूटीफुल हार्ट दैट विंस. ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी इज वेरी ऑब्जेक्टिव. जो मुझे सुंदर लग रही है वो आपको सुंदर ना लगे, जो आपको सुंदर लग रही है मुझे बिल्कुल सुंदर ना लगे. जैसे कहते हैं कि खूबसूरती तो देखने वाली की आंखों में होती है, तो कोई जीती है तो वो किसी और को सुंदर लगी है. हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट कर ही ना पाओ. ऐसे कई बार होते हैं, हमने कितने ब्यूटी पैजेंट विनर्स देखे इंटरनेशनल भी, जो हम सोचते हैं इसको कैसे जिता दिया, बट दैट इज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे अपना रास्ता ढूंढना था, एक्सटर्नली इंटरनली कि सोशल वर्क होता है तो क्या होता है, क्योंकि उसमें भी मार्क्स होते हैं कि आप अपने कॉज के लिए क्या कर रहे हो. एंड आप ये कॉज अब इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, या तुम ये कॉज इसलिए कर रहे हो कि इट्स क्लोज टू योर हार्ट और आप सही में अपना कुछ देना चाहते हो उस कॉज के लिए, कुछ सही में समाज के लिए कुछ करना चाहते हो. ये अलग अलग मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को किस तरह से पूरा किया जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो हाँ, बट हो गया और बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा हुआ. अगला सवाल मेरा ज्योति आपसे कि जैसे दीपाली ने कहा सपोर्ट की इन्होंने बात की, तो आप एक गृहिणी भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मतलब आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया है और अब आप मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं. तो सपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपको आपकी फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला जो आप इस तरह से सक्सेस हो पाई हैं. देखिए, जैसे बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. मतलब आपको अगर आप ये बोलो कि आप सक्सेस के पाथ पर चले और आपने अकेले सब कुछ कर लिया, तो ये सचमुच पे बहुत एक गलत स्टेटमेंट होती है. आप कभी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कोई ना कोई आपके साथ जरूर होता है जो आपको सक्सेस के लिए आगे बढ़ाता है. जैसे अगर मान लीजिए कोई आप फैशन शो करते हो तो आपको सपोर्ट मिलती है, डिजाइनर की मिलती है, स्टिच करने वाले लोग होते हैं. तो ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े थे मुझे मोटिवेट करने के लिए. मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, मेरी डॉटर्स, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर, उनका सपोर्ट मुझे रहा. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए और उन्हें एक दिशा देने के लिए. थैंक यू.